Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये है टोक्यो का डेनियन शोफो इलाका। वो इस शहर के अमीर लोगों का इलाका है। महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर हैं सबके। मुझे भी मिल गया एक सच्चा दोस्त। इस इलाके में ओबो चामा नाम का छोटा लड़का रहता है और वो इस शहर के बहुत ही बड़े स्कूल में जाने वाला है। डेनियन शोफो स्कूल पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त है और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत टफ है। इसे सबसे हाई फाई स्कूल माना जाता है। आज तो मैं गया काम से। अगर आज भी लेट पहुंचा तो मेरी क्या नहीं, आज तो वो टीचर मुझे मार ही डालेंगे। स्कूल के रूल नंबर 24 के हिसाब से जो भी बच्चा स्कूल पहुंचने में एक मिनट या एक सेकंड भी लेट होगा तो उसे पड़ेगी छड़ी। मुझे मत मारो। ऐसी पनिशमेंट्स की वजह से डेनियन शोफो स्कूल का जितना नाम है ये स्कूल उतना ही बदनाम भी है। आज स्कूल में एक नया स्टूडेंट आने वाला है जो बहुत ही मशहूर ओबो परिवार से है। ओबो परिवार से? ये कौन है? ओबो परिवार का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? जापान का सबसे अमीर परिवार, उसी परिवार का लाडला बेटा है वो। उसका नाम है ओबो चामा। जिसके जेब में पूरा देश है उन्हीं का राजकुमार है वो। अगर वो सोच रहा है कि मेरी क्लास में उसके बैग का राज चलेगा तो वो मुमकिन नहीं। ठीक गड़बड़ी तो उसे भी पड़ेगी छड़ी। मुझे नफरत है इस टीचर से। टीचर टीचर मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर टीचर ये 3 से 5 साल के बच्चों की क्लास है ना? लगता है वो आ गया। उसके स्वागत में सब खड़े हो जाओ। इधर उधर मत देखो, आगे बढ़ो। कछुओं की एंट्री। ऐसी एंट्री तो कभी नहीं देखी। रुको रुको, स्टॉप, मैंने कहा स्टॉप स्टॉप। चलो पोजीशन चेंज करो, क्लास की तरफ मुड़ जाओ। सबसे अमीर आदमी का बेटा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पापा अमीर है। मेरा सरनेम ओबो है और मेरा नाम चामा है टीचर। क्या सच में? हाँ मैं ही हूँ वो चामा। ओबो चामा पैसे वाला। और अब देखना मेरा ड्रामा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम एकदम सड़क छाप और कछुआ छाप हो। क्या, मैं और कछुआ छाप? ये तो बहुत क्यूट और क्लासी लगता है। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? घुड़सवारी। घुड़सवारी? अगर घुड़सवारी का इतना ही शौक है तो ये मेंढक जैसे कछुओं पर क्यों आए हो? आप समझे नहीं टीचर, मैं जो घोड़ा चलाता हूँ वो तो मुझसे भी अमीर है, पर बैठकर बड़ा मजा आता है। आप भी मजा लेना चाहेंगे टीचर? मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी घुड़सवारी कर रहा हूँ। पता है टीचर, पहले घोड़े को एक बार मारते हैं वो चलने लगता है, फिर दूसरी बार मारते हैं तो वो दौड़ने लगता है। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, बड़ा मजा आता है। कितना मजा आ रहा है, इस टीचर को अच्छा सबक मिला है। अरे क्या हो गया टीचर, आप नहीं खेलना? मैंने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे गुरु नहीं। क्या आपने मुझे नीचे गिराया? आपने मुझे नीचे क्यों गिराया बताओ, मुझे चोट लग गई। मेरी वजह से नहीं लगी, समझ गए? बहुत हो गए तुम्हारी शैतानियाँ, तुम्हें शैतानी की सजा मिलेगी। अब बोलेगी मेरी छड़ी। बताओ यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? वो जब मैं यहाँ आ रहा था तो आते वक्त मुझे एक नंगू पंगू डॉगी दिखा, तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म उतार कर उसे पहना दी। शैतान लड़के, अपने बेहुदा कपड़े इस डॉगी को पहना देता, यूनिफॉर्म क्यों पहना दी? कल से अगर बिना यूनिफॉर्म के आए तो क्लास में नहीं आने दूंगा। चामा चामा चामा, ओ बोल चामा,
ये चुनौती है। मुझे ये चुनौती मंजूर है पापा, मैं स्कूल जाऊंगा। मुझे कितना गर्व है। बच्चों को इतना लाड़ प्यार करने की क्या जरूरत है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। ओह मैं तो भूल ही गया, ये मेरा दोस्त है। ओह ये सच कह रहा है, तुम इसके दोस्त हो? हाँ मेरा नाम है काकिनो सुए। तुमने मेरे बेटे से दोस्ती की है क्या? तो आप दोस्ती तोड़ना मत। बचाओ, मेरा चामा जंग से लौट आया है। ये है हमारे चामा का दोस्त काकिनो, मेरे बेटे ने कर दिखाया, मुझे इस पर नाज है। पीठ पे थोड़ा मलम लगा लेना। आप बहुत थक गए होंगे ना, चलिए आपके पैर दबा देते हैं और आपकी चम्पी भी कर देते हैं। काकिनो, ये रही तुम्हारी दोस्ती की कीमत। क्या दोस्ती करने के लिए भी कोई पैसा देता है? क्या तुम मुझसे दोस्ती कर रहे हो और बदले में पैसे नहीं लोगे? नहीं नहीं, तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। क्या बिना पैसों के दोस्ती करोगे? तो इस पर हैरान होने की क्या बात है। पापा देखिए, काकिनो बिना पैसों के मेरा दोस्त बन रहा है। क्या कहा कि मुफ्त में तुम्हारा दोस्त बन रहा है? तुमने कमाल कर दिया बेटा। तुमने पैसा भी खर्च नहीं किया और अपने लिए दोस्त भी बना लिया। मेरे कार्ड में बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। इस लड़के को इतना सर पे क्यों चढ़ा कर रखा है, पता नहीं हमारे स्कूल में कैसे दिख पाएगा।